हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिश फ्राई लेके आई हूँ। नॉन वेज वालों की बहुत ही पसंदीदा चीज है फिश फ्राई, तो आज हम फिश फ्राई बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है, और किस तरीके से बनती है और क्या क्या चीजें उसमें डलती हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। तो आज हम बनाते हैं फिश फ्राई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिश बनाने वाले हैं फिश फ्राई। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम फिश लिया। आप कोई भी फिश ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगारा फिश लिया है जिसमें कि कांटे कम होते हैं, तो आप कोई भी फिश ले सकते हैं। तो और उसको साफ करवा के अच्छे से मैंने निकाल लिया है। मैरिनेशन के लिए हम सबसे पहले नमक लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, मैं आधा आधा चम्मच ले रही हूँ सभी, गरम मसाला लेंगे आधा आधा चम्मच लिए, ये कुटा हुआ धनिया है, और थोड़ी सी मैं देगी मिर्च ले रही हूँ क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ देंगे और फिर डालेंगे। इसमें मैंने नींबू का रस डाल रही हूँ, ये देखिए अच्छे से नींबू डाल लेंगे इसमें। फिश को नींबू के साथ बनाए बहुत ही अम्मी लगती है, इस तरीके से हम नींबू डाल लेते हैं इसमें। हम लोग दही नहीं डाल रहे हैं, आप दही का भी मैरिनेशन कर सकते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं दही खाने के लिए, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो दही के बिना ही हम मैरिनेशन करेंगे आज। तो ये सब चीजें मैंने डाल दी हैं इसमें, थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालेंगे। बढ़िया सी खुशबू आ रही है, नींबू का फ्लेवर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मिलकर बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। अभी हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया। अब हम फिश ले लेते हैं, और इसके अंदर हम चाहे तो टूथपिक से या फोक से थोड़ा बहुत इस तरीके से होल कर देंगे, जिससे कि हमारा मैरिनेशन है वो अंदर तक जाए। देखिए इस तरीके से, अब हम इसमें डाल के सभी फिश को अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छे से मसाला सारे में लगा लेना हमने। अच्छे से लहसुन के इसके अंदर लगा दीजिए, जिससे कि क्योंकि जितना अच्छा मैरिनेशन होगा हमारा फिश उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए मैंने सब में लगा दिया। अब इसको कम से कम भी 1 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही मैरिनेशन अच्छा होगा और उतना ही हमारा फिश अच्छा बनेगा। ये देखिए अच्छे से मैंने सारा लगा दिया मसाले, तो इस तरीके से ही लगाने हैं। और इसके बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। अगर सर्दी है तो हम बाहर ही रख सकते हैं इसको 1 घंटे के लिए, अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में ही रखेंगे इसको, बाहर नहीं रखेंगे। ये देखिए मैरिनेशन हो गया, काफी देर हो गई इसको रखे हुए। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा बेसन लेंगे, दो बड़े चम्मच के करीब बेसन ले लेते हैं।
इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह डाल देंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पहले हमने इसमें डाल रखा। इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे, क्योंकि हम ऐसे बेसन नहीं लगाना चाहते ऊपर से, इस तरीके से लगाएंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल बनाएंगे जिससे कि लम्स ना पड़े। देखिए हमारा घोल रेडी हो गया। अब ये जो फिश हमने किया हुआ था इसको और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा और अच्छे से मैं इस मसाले पे डाल देती हूँ। और फिर इस घोल के अंदर लगा के इसको हम रख देते हैं, थोड़ा अच्छे से लगा देंगे इस तरीके से, सारे में लगा लेंगे। सभी में अच्छे से, जैसे कि मसाले भी और बेसन भी अच्छे से लग जाएगा। इस तरीके से हमने सारे में थोड़ा थोड़ा लगा दिए। अब हम इसको बनाते हैं। अब हम फिश को फ्राई करेंगे, शैलो ही फ्राई करेंगे। अभी ये हमने जो फिश बना रखे थे इसको हम लोग इसमें रख देते हैं। और इसको हम सिम पे बनाएंगे, सिम पे ही रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। 3-4 मिनट एक तरफ से, 3-4 मिनट एक तरफ से सीखेंगे। तो ये मैंने मसाले सारे लगा दिए, जो थोड़ा बहुत नीचे रह गया था वो भी मैंने ऊपर लगा दिए मसाले अच्छे से। 3-4 मिनट इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। यानी कि 4 मिनट हो गए, अब हम इसको पलट देंगे। उससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं इसको पलटेंगे। चार मिनट इस तरह से सीख लेंगे हम। और सिम पे ही रखेंगे, इस चीज का ध्यान रख के, और बार बार नहीं पलटेंगे। अब एक तरफ से सीख गई है, दूसरी तरफ से देख लेते हैं। ये देखिए अभी इधर से भी सीख गई है, 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसको।
देखिए दूसरी तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। इस तरीके से हमने आज फिश फ्राई बनाई है। ये देखिए हमारी फिश फ्राई बनके रेडी है। इस तरीके से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसको आप चटनी, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे आपको दिल करे वैसे खाइए। और मुझे कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।